गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक अमेजिंग वीडियो लेके आई हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सो गाइस, आपने सुना होगा सुनीसा फाउंडेशन के बारे में। सुनीसा फाउंडेशन एक बहुत ही वायरल फाउंडेशन है जो कि हर लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। उसकी वीडियोस इंस्टाग्राम पर भी बहुत ज़्यादा वायरल है और यूट्यूब के शॉर्ट्स पर भी बहुत ज़्यादा वायरल है। एक्चुअली पूरे इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल है। तो हम सब सुनीसा फाउंडेशन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं और हम उसके बारे में बहुत सारी वीडियोस देखते हैं। तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैं इसको मंगाऊं या नहीं मंगाऊं, या मैं इसको ट्राई करूं या नहीं करूं। तो गाइस, मैं बहुत टाइम से ये वीडियोस देखती आ रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा टाइम से। एक्चुअली टिकटॉक के टाइम से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुए हैं और हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहा है और हम सोचते हैं मंगाएं या नहीं मंगाएं। सो गाइस, आज मेरी वीडियोस है सुनीसा फाउंडेशन के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगी कि सुनीसा फाउंडेशन कैसी है और हम उसका यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या वो कैसी है। मैंने तो अभी खुद ट्राई नहीं किया है। सो गाइस, मैंने बट उसको मंगा लिया है और मैं आज आपके साथ पूरा रिव्यू शेयर करूँगी आपके साथ। तो आप चाहें तो आप मंगा भी सकते हैं। तो गाइस, तो चलते हैं हमारी वीडियोस की तरफ और मैं इसका रिव्यू आज आपको शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, देख सकते हैं आप, मैंने अभी तक इसका पैकिंग खोला नहीं हुआ है और इसका नाम है सुनीसा वाटरप्रूफ सीसी क्रीम। सो गाइस, ये बता रहे हैं कि सुनीसा वाटरप्रूफ सीसी क्रीम है ये जो फाउंडेशन, बहुत ही बढ़िया होने वाली है। देखते हैं इसका रिव्यू, अभी तो मैंने चेक नहीं किया है। तो मैं एक साइड अपने फेस पर अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी कि ये वीडियो इसका रिजल्ट कैसा है और हम इसका यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और इसमें बाकी ये सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से, इसमें एक फाउंडेशन भी है ये दिख रहा है और एक ब्यूटी ब्लेंडर दिख रहा है। तो शायद यही दोनों निकलने वाले हैं। तो अब खोल के देखते हैं इसको। सो गाइस, देख सकते हैं आप इस तरीके से इसकी पैकिंग में क्या क्या निकलता है। सो गाइस, आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ही बढ़िया है। ये दिखने में तो काफ़ी सुंदर है बट रिज़ल्ट देखते हैं कैसी है, अच्छी है या नहीं है, या हमारी स्किन टोन के हिसाब से है या नहीं। सो गाइस, इसमें एक ये ब्यूटी ब्लेंडर निकला हुआ है तो इसका हम अप्लाई करेंगे अपने फेस पर और देखते हैं। एक मैंने आज तक बहुत ज़्यादा सुना है कि ये ना फेयर स्किन के हिसाब से है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइट होती है और ये फेयर स्किन के हिसाब से है, तो फेयर स्किन टोन के हिसाब से है। तो प्लीज़ आप चेक करके ही लें। तो मुझे तो ये लगता है कि फेयर स्किन के हिसाब से, बट मैं ट्राई करके देखती हूँ। मेरी तो फेयर स्किन है थोड़ी, तो मेरी स्किन के हिसाब से वैसे चल जाएगा। आप अपनी स्किन के हिसाब से देख लें। सो गाइस, ये फाउंडेशन है इस तरीके का, देख सकते हैं। तो इसमें जिस तरीके का ये दिख रहा है ना, जिस तरीके का वीडियोस वगैरह बनाते हैं, वैसे ही बिल्कुल सेम फाउंडेशन निकला है ये। और मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। तो अब करने में देखते हैं। तो गाइस, इसको ऐसे डैप करेंगे तो देख सकते हैं वही डिज़ाइन, वही सेम डिज़ाइन इसमें बनी आ रही है। सो गाइस, आप देख सकते हैं इस तरीके से निकल रही है। और हम अपने फेस पर इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो गाइस आपको डायरेक्ट ये नहीं लगाना है। आप कोई भी फाउंडेशन या कुछ भी लगाते हैं तो सबसे पहले आपको
मॉइस्चराइज़र या फिर प्राइमर अप्लाई ज़रूर करना है, उसके बाद ही आप कुछ लगाएं। तो गाइस मैंने लिया है निव्या का सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र क्रीम, तो हम अपने फेस पर लगाएंगे क्योंकि मेरी एकदम ड्राई स्किन है। तो गाइस ड्राई स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो हम इसको इस तरीके से लगा लेंगे। तो हमने एक मॉइस्चराइज़र का अप्लाई कर लिया है, अब हम इसको इस तरीके से इसका अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं, बट ये ब्यूटी ब्लेंडर जो है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई कुछ वैसा नहीं है कि इसमें बिल्कुल फाउंडेशन एकदम अंदर नहीं जा रहा है इसलिए। बट मैं अपने एक साइड इसका अप्लाई करने वाली हूँ, आप भी एक साइड इसका अप्लाई करके ट्राई करें, देख सकते हैं आप। मैंने ऐसे डैब डैब करके इस तरीके से इसको लगा लिया है, और आप भी इस तरीके से अपने फेस पर एक साइड अप्लाई कर सकते हैं। ये वाटरप्रूफ है या नहीं है वो हम अभी नेक्स्ट थोड़ी देर में चेक करने वाले हैं। हम आपको पूरा रिजल्ट दिखाने वाले हैं वाटरप्रूफ है या नहीं है, बट हमने आज तक जो वीडियोस देखे हैं उन सब में यही वो दिखाता है कि बहुत ही ज़्यादा वाटरप्रूफ है, तो हम नेचुरल रिजल्ट आपको दिखाने वाले हैं। गाइस आप पूरा वीडियोस देखें और इस तरीके से अपने फाउंडेशन को अप्लाई करें। बट इसका ब्यूटी ब्लेंडर मुझे ज़्यादा कुछ काफ़ी पसंद नहीं आया है, क्योंकि ये अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं हो रहा है और मुझे ज़्यादा खास पसंद नहीं आया है। बट जो फाउंडेशन है उसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मुझे फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, एकदम फेयर स्किन के हिसाब से। आप इसको फेयर स्किन, आपकी फेयर स्किन हो तभी आप अप्लाई करें, अन्यथा आप अप्लाई करने के पहले एक बार देख लें, वरना मेरे हिसाब से तो ये फेयर स्किन हो जिसका वही इसका यूज़ करें, और ये ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा बेटर नहीं होगी शायद, इसलिए आप देखकर ही इसका ट्राई करें। बट मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, आप देख सकते हो, मेरा एक साइड का स्किन देख सकते हो, दूसरी साइड का देख सकते हो, और मैंने इसको इसी ब्लेंडर से काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। तो गाइस आप देख सकते हो आपको ए पार्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर ए पार्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और गाइस इसमें जो एक बात है, ये बहुत ज़्यादा ग्लोइंग कर रही हो और ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही हो, और मुझे लगता भी है कि ये मेरी फेस स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रही है। तो गाइस मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, अब आप अपने फेस पर ट्राई करके देख लें। तो गाइस मैं इसको सेम दूसरी जगह इसका अप्लाई कर रही हूँ, इसका अप्लाई करूँगी, फिर गाइस मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये वाटरप्रूफ है या नहीं। ब्यूटीफुल लग रही है, सो गाइस हमने सुनीता फाउंडेशन को अच्छी तरीके से टचअप कर लिया है, तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन पहले आप देख सकते हो और बाद में इसका रिजल्ट देख सकते हैं। गाइस मुझे तो ये सुनीता फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप भी ज़रूर मंगवाएं, वो अगर आपको बिल्कुल से समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये बहुत काफ़ी ग्लोइंग भी है, हमारी स्किन को ग्लोइंग भी करती है, और
हमारी स्किन के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी है, बट ये फेयर स्किन के लिए है। तो गाइस आप अपनी फेयर, अगर आपकी भी फेयर स्किन है तो आप भी इसको ट्राई करें, और आप भी ट्राई करें एक बार ज़रूर। और गाइस मुझे तो ये फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी है और बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई है। सो गाइस अब मैं इसको चेक करके दिखाऊंगी वाटर प्रूफ है या नहीं है। बस एक और चीज़ लास्ट रह गई है तो मैं दिखाने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक बाउल ले लिया है और मैं अपने फेस को इस तरीके से पानी डालने वाली हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से इसमें पानी डाला हुआ था अपने फेस पर, और मैंने इसका ट्राई किया है कि ये वाटर प्रूफ है या नहीं है। तो आप देख सकते हो एकदम वाइट वाटर प्रूफ है। देखो ये बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, देख सकते हो आप मेरी स्किन के हिसाब से देख सकते हो। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है ये फाउंडेशन। आप देख सकते हो मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा वाटर प्रूफ है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। थैंक यू सुनीता फाउंडेशन, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल फाउंडेशन है। आप चाहें तो आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।